यहां के एक एमएलए हैं, उस एमएलए को राज्य कक्षे का मंत्री का होद्दा मिला, समाजवादी पार्टी के हैं, अखिलेश जी के चहेते हैं, उन्होंने क्या बयान दिया था। सरकार सपा की, एमएलए सपा का, सांसद सपा का, एक ही कुनबे का, प्रदेश आपका, जिला आपका, आप ही के लोग, और आरोप भी आप पर लगा रहे थे। आप ही का एक एमएलए, आप ही के सगे चचेरे भाई, उनको सांसद पे आरोप लगाया खुलेआम कि अवैध खनन में भ्रष्टाचार करते हैं। ये बिजली के तार लगाने में भ्रष्टाचार करते हैं। अगर सांसद पर सपा पार्टी के ही एमएलए इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाते हैं तो फिर 500 गांवों में बिजली कहां से पहुंचेगी। भाइयों, ये तो मोदी है जिसमें दम है कि उसने वहां बिजली पहुंचा दी, वरना ये नहीं पहुंचा। भाइयों बहनों, जब ये कांग्रेस के सपा के एमएलए ने अपने सांसद पर आरोप लगाए तो मैं कल्पना करता हूं, जब मुलायम सिंह जी ने सुना होगा कि सपा के एमएलए सपा के एमपी के खिलाफ इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाते हैं, तो मुलायम सिंह जी ने क्या सोचा होगा। अगर किसी ने पत्रकार ने पूछ लिया होता तो मुलायम सिंह जी ने क्या जवाब दिया होता। मुलायम सिंह जी ने जरूर कहा होता, बच्चा है, गलतियां कर देता है, उसके लिए कोई फांसी लगती है क्या। यही कहा होता ना, कोई भी पाप करो ये कह देते हैं बच्चा है, गलतियां करता है। और अगर यही बात अखिलेश जी को पूछी गई होती, पत्रकारों ने पूछा होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती होती और पूछा होता कि भा अखिलेश जी, मुख्यमंत्री जी, बदायूं के एमएलए ने आपके चचेरे भाई जो सांसद है उन पर इतने बड़े भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, मुख्यमंत्री जी आपको क्या कहना है। तो अखिलेश जी क्या कहते हैं, अरे भाई तुम ऐसे सवाल क्यों पूछते हो, क्या तेरे शहर में भ्रष्टाचार हो रहा है क्या। यही जवाब दिया होता। कितना गैर जिम्मेवार इनका कारनामा रहा है, हर चीज में गैर जिम्मेवार। भाइयों बहनों, ऐसे गैर जिम्मेवार रवैया वाले लोग कभी भी जनता जनार्दन का भला नहीं कर सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं कह रहा हूं आपका काम नहीं बोल रहा, कारनामे बोल रहे हैं। आप मुझे बताइए, मायावती की सरकार भ्रष्ट थी ऐसा 5 साल पहले अखिलेश जी गांव गांव जाके बताते थे कि नहीं बताते थे। उन्होंने कहा था कि सत्ता में आने के बाद उन सबको वो जेल में भेज देंगे, कहा था कि नहीं कहा था। उन्होंने किया क्या, जो लोग
मायावती को सबसे प्रिय थे, मायावती जी के सबसे निकट थे, जिन अफसरों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, अखिलेश जी ने आते ही दो चार महीने तो सारा ड्रामा किया, बाद में उन्हीं भ्रष्ट लोगों को उससे भी अच्छे पद पर बिठा करके पहले से 10 गुना भ्रष्टाचार करने के दरवाजे खोल दिए। भाइयों बहनों, नोएडा ग्रेटर नोएडा में कैसे अधिकारियों को बिठाया था, सीबीआई ने उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल के रखा हुआ है। ये लूटते थे क्या? ये गरीबों के पैसे लूटते हैं कि नहीं लूटते? भाइयों, ये गरीबों को लूटते हैं कि नहीं लूटते? ये ईमानदारों को लूटते हैं कि नहीं लूटते? भाइयों बहनों, आखिर पर सबको मुझ पर गुस्सा क्यों आता है? ये सब इतने मुझ पर गुस्सा क्यों है? ये सब इकट्ठे क्यों हो जाते हैं? जो कभी एक दूसरे से बात न करे, मायावती मुलायम सिंह के पक्ष में न बोले, मुलायम सिंह जी मायावती के पक्ष में न बोले, मायावती अखिलेश के साथ न हो, अखिलेश मायावती के साथ न हो, हमेशा आपने देखा होगा वो कहेगी सूरज है तो ये कहेगा चंदा है। लेकिन एक विषय ऐसा आया जब मैंने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो ये सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने कह दिया सारा मोदी खराब कर रहा है, मोदी खराब कर रहा है, सब इकट्ठे हो गए। क्योंकि भाइयों बहनों, उनके पैरों के तले जमीन खिसकने लग गई थी। इनको पता चला है कि भ्रष्टाचार काले धन की मेरी लड़ाई जो है, इनको भी कभी अपने फेरे में लेके ही रहेगी, उनको पता है। और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार काले धन के खिलाफ जब मैंने नोटबंदी की और मैंने कहा जिन्होंने गरीबों का लूटा है मैं गरीबों को लौटा के रहूंगा, मेरी सरकार गरीबों के लिए बनी है और गरीबों का कल्याण इसी काम के लिए, ये जनता भगवान जनता होती है, जनता ही ईश्वर का रूप होती है, इसने मुझे काम दिया है, गरीबों की भलाई करने का काम दिया है, किसानों का कल्याण करने का काम दिया है, ईमानदारों को हक देने का काम दिया है और वो काम करने के लिए मेरी सरकार दिल्ली में काम कर रही है। भाइयों भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश में शहर हो या गांव हो, भाइयों बहनों मुझे आपसे जवाब चाहिए। अगर मेरी बात सही नहीं है तो आप ना कर देना, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर सही है तो पूरी ताकत से जवाब देना। आज उत्तर प्रदेश शहर हो या गांव हो, दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, क्या कभी भी उत्तर प्रदेश के गांव या शहर में कोई बहन बेटी अकेली घर के बाहर निकल सकती है क्या? बताइए, सच बताइए, निकल सकती है क्या? अगर बेटी देर से घर आए तो माँ बाप चिंता करते हैं कि नहीं करते हैं? भैया को दौड़ना पड़ता है कि नहीं दौड़ना पड़ता है? भाइयों बहनों, जरा अखिलेश जी जवाब तो दो, आपको जिसको गले लगना है लगो, हमें प्रॉब्लम नहीं है। सवाल यह है कि गुंडागर्दी को आपने क्यों खुला दौर दे करके रखा हुआ है, क्या कारण है? और उसका कारण
समाजवादी पार्टी के नेताओं की मानसिकता है। उसका कारण 5 साल का आपका कारोबार है। मैं हैरान हूं, मुझे हैरानी तो मेरे मीडिया के भाइयों से होती है। मैंने एक दिन रात को देर से पहुंचा, मैंने टीवी चालू किया तो आजकल जैसे मैं सवाल जवाब करता हूं तो देश के सभी नेताओं ने अब धीरे धीरे करके ये शुरू किया है, बाकी लोग भी ऐसे सवाल जवाब करते हैं, कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन अच्छा है, अगर कोई अच्छी चीज सीखने की कोशिश करता है तो अच्छी बात है। तो अखिलेश जी ने लोगों को सवाल पूछा, अच्छे दिन आ गए क्या? मैं अखिलेश जी को सवाल पूछता हूं कि भाई 5 साल से उत्तर प्रदेश में तुम राज करते हो, अगर जनता कहती है नहीं आए हैं तो सबसे पहले जिम्मेवारी तुम्हारी बनती है, तुम उत्तर प्रदेश में राज करते हो। लेकिन उनको समझ ही नहीं आता है कि कौन सा सवाल पूछना चाहिए, कहां पूछना चाहिए, कैसे पूछना चाहिए, ये भी समझ नहीं आता है। जब उत्तर प्रदेश की जनता कहती है कि हमारे हाल ठीक नहीं है तो उसके लिए अगर जिम्मेवार कोई है तो 5 साल सपा, 5 साल बसपा और 50 साल कांग्रेस पार्टी के कारनामे, ये जिम्मेवार है भाइयों। इन्होंने तबाही की हुई है और उनसे हिसाब मांगने का समय आ गया है। भाइयों बहनों, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अभिनंदन करता हूं, उत्तर प्रदेश की टीम का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम करने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा है इन बहन बेटियों की रक्षा के लिए पुलिस में 3 बटालियन महिला पुलिस की नई बनाई जाएगी, 3 बटालियन। और उन्होंने कहा है 1 बटालियन का नाम होगा जल कार्यवाही बटालियन, दूसरी बटालियन का नाम होगा उदा देवी बटालियन, तीसरी बटालियन का नाम होगा वीरांगना अवंतीबाई बटालियन। इन महावीरांगनाओं के स्मरण में 3 महिला बटालियन बनाने का फैसला उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाइयों बहनों, आज 11 फरवरी है और दोपहर के करीब करीब 1:45 बजे हैं। ठीक 1 महीने के बाद 11 मार्च को 1:45 बजे तक नई सरकार की खबर आ जाएगी। और इसकी शुरुआत हो गई है। आज उत्तर प्रदेश में एमएलसी के चुनाव का नतीजा आया, एमएलसी के चुनाव का नतीजा आया। मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं का आज हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपको भी अभी समाचार पहुंचे नहीं होंगे, अगर भाजपा हार गई होती तो ब्रेकिंग न्यूज चलते, ब्रेकिंग न्यूज धुआंधार प्रचार होता, बीजेपी हार गई, मोदी का पत्ता साफ हो गया, न जाने क्या क्या शुरू हो जाता। भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बधाई देता हूं कि आज अभी अभी एमएलसी की 3 सीटें जिसके नतीजे आए, तीनों की तीनों भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। आज
11 फरवरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है, उस पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश के लोगों ने दी हुई यह श्रद्धांजलि है। आज 11 फरवरी 11 मार्च का संकेत दे दिया है उत्तर प्रदेश के लोगों ने। और कमाल देखो, उत्तर प्रदेश के तीनों इलाके गोरखपुर से देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी का चुनाव जीत गए, भाजपा के देवेंद्र सिंह 25,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत गए। भाइयों बहनों, कानपुर भारतीय जनता पार्टी के श्री अरुण पाठक एमएलसी का चुनाव जीत गए। और अब बारी है आपकी, यहीं पर बरेली में भाइयों बहनों जयपाल सिंह जी 40,000 से ज्यादा वोटों से एमएलसी का चुनाव जीत गए। बहुत बहुत बधाई भारतीय जनता पार्टी की टीम को, बधाई उत्तर प्रदेश की जनता को, बधाई। आपने संकेत दे दिया है कि आंधी कितनी तेज है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में चुनाव के मैदान में जो है वो तो बेचैन हो ही गए होंगे, लेकिन उनके कुछ ठेकेदार दिल्ली में बैठे हैं, वो जरा ज्यादा परेशान होते होंगे। क्या बात है, उत्तर प्रदेश में एमएलसी में इतना बड़ा भव्य विजय, और वो भी ऐसे समय जब कल तक जो एक दूसरे के दुश्मन थे, लोहिया जी जीवन भर जी कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे, उन लोहिया जी के चेलों ने कुर्सी बचाने के लिए उस कांग्रेस को भी गले लगा दिया, उसके बावजूद भी एमएलसी के चुनाव बुरी तरह हार गए। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, यहां पर नौकरियों में जो भर्ती हुई है पिछले 5 साल में, क्या आपको उससे संतोष है? जरा नौजवान ताकत से बताइए, संतोष है? क्या आप मानते हैं कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है? क्या आप में मानते हैं उसमें जातिवाद का जहर घुला है? क्या आप मानते हैं कि ईमानदारों से अन्याय हुआ है? आप मानते हैं गरीब विधवा मां के होनहार बेटे भी नौकरी से वंचित रह गए हैं? क्या लोकतंत्र में ईमानदारों का हक छीनना एक किसी भी सरकार को अधिकार नहीं मिलता है? भाइयों बहनों, नौकरी में जो हाल हुआ है, भाई भतीजावाद हुआ है, ये आपका कारनामा है अखिलेश जी, ये आपका कारनामा है। आपने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को कुचल डाला है, उसको रौन डाला है, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन नौजवानों के भविष्य पर आपने अलीगढ़ के ताले लगा दिए। मैं आज उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, 11 मार्च को चुनाव नतीजे आएंगे, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लोगों ने कहा है कि नौकरी में जिसको अन्याय हुआ है
जांच कराई जाएगी और उनको न्याय दिलाया जाएगा। आप मुझे बताओ भाई, सरकार में वर्ग तीन और वर्ग के चार जो सामान्य लोगों को नौकरी के लिए जरूरत होती है, क्लर्क की नौकरी हो, हेड कांस्टेबल की नौकरी हो, पीएसआई की नौकरी हो, ये सब वर्ग तीन और चार की नौकरी होती है, ड्राइवर हो, प्यून हो, और सरकार में 90% से ज्यादा यही लोगों को नौकरी होती है, यही काम होते हैं, नर्सिंग का वगैरह। अब आप बताइए, जब 100 लोगों की नौकरी का एडवर्टाइजमेंट निकलता है तो लाख दो लाख लोग अर्जी करते हैं, फिर उसका एग्जाम होता है।